जनादेश अब स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के सारथी, हम सब के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता यह चुनाव लड़ रही है। गुजराती जनता ने यह मन बना लिया है कि दो दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है, और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी है। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया है। यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। गुजरात की जनता के इस जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। गुजरात की जनता ने एक बार फिर देशद्रोही तत्व को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया है। झूठा प्रलोभन देकर जनता को ठगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया, क्योंकि गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और नरेंद्र भाई का नेतृत्व चाहिए। इस चुनाव में जीत के लिए भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को जितना धन्यवाद और बधाई दी जाए वो कम है। भाजपा की जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, पूरी लगन और संकल्प है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जन सेवा के लिए भाजपा का प्रमुख सिपाही बना है, न किसी पद, प्रतिष्ठा या लाभ के लिए। भाजपा के इस जनाधार को श्री नरेंद्र भाई जैसे हमारे समर्पित नेतृत्व ने बनाया है और इसे बचाए रखना अब हमारा कर्तव्य है। भाजपा का ध्येय जनता का विश्वास बनाए रखना है। हमारा संकल्प जन कल्याण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल जी और अब वैश्विक नेता श्री नरेंद्र भाई के पद चिन्हों पर चलकर सेवा ही साधना हमारा मंत्र है। इस चुनाव में हमारी जीत का एक कारण हमारे लोकप्रिय और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र भाई और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब का निरंतर मार्गदर्शन भी है। वे एक आम कार्यकर्ता की तरह हमारे साथ रहे, लगातार हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आदरणीय श्री अमित भाई जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमारे छोटी बातों का ध्यान रखा और वे हमारे साथ चले और हमें निरंतर प्रेरित करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रियां, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियां और प्रदेश अध्यक्ष श्री आर पाटिल जी और रत्नाकर जी और गुप्ता जी, अन्य सभी ने एक बार फिर सामूहिक नेतृत्व के साथ गुजरात में भाजपा की विजय पताका लहराई है। साथियों, ये जितना जश्न मनाने का मौका है उतना ही ये परिव्यक्ता और साथ विचार करने और जनता को विश्वास व प्यार को समझाने का अवसर भी है। जनता के विश्वास के प्यार को भी समझने का अवसर है। अगर गुजरात की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी सौंपती है तो आइए हम आदरणीय नरेंद्र भाई के दिशा दर्शन में पंचनिष्ठा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें। राज्य के विकास और कल्याण के अपने लक्ष्य की और हमें तेजी से आगे बढ़ाएं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प अन्य पार्टियों की तरह सिर्फ चुनावी वादों का घोषणा पत्र नहीं,
बल्कि यह गुजरात की अगले 5 वर्षों की लंबी सुनियोजित और वैश्विक यात्रा का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में बना हुआ दस्तावेज है। पिछले 2 दशक से हमने आदरणीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जन सेवा को साधना बनाकर गुजरात के कोने कोने में विकास किया है। हम सभी को गर्व है कि गुजरात आज पूरे देश का ग्रोथ इंजन बना है। प्रदेश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भाजपा सरकार ने सेवा और सुविधा नहीं दी हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन का परिणाम ही है कि गुजरात आज शासन और विकास के सभी मानकों पर देश में अग्रणी है। अब इस विकास यात्रा को और तेज गति देने हैं। इस संकल्प पत्र में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सैचुरेशन 100% लाभार्थी तक पहुंचने का जो विचार दिया है उसे आने वाले दिनों में चरितार्थ करने का पूरा रोडमैप है। गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत एपीएमसी किसान मंडियां वर्गीकरण ग्रेडिंग यूनिट्स कोल्ड चेन वेयरहाउस प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स आदि के आधुनिकीकरण पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह हमारा संकल्प है। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा गुजरात में सुजलाम सुफलाम शौनी लिफ्ट इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन डीप इरिगेशन और अन्य तरीकों के माध्यम से कृषि सिंचाई के मौजूद नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। यह भी हमारा संकल्प है। पशुधन के व्यापक देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए गौशाला में 1,000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का निर्माण और प्रत्येक पशु की टीकाकरण बीमा की व्यवस्था की जाए। हम देश का पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क को शुरू करेंगे और फिशरी सेक्टर के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा दिए गए नए भारत के निर्माण में हमारा संकल्प है कि अगले 5 वर्ष में युवाओं के लिए 20 लाख रोजगार का सृजन किया जाए।